तो दोस्तों, अगर आप Redmi Note 5 के यूज़र्स हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम के वेट करने के बाद फाइनली Redmi Note 5 के लिए एक न्यू अपडेट Xiaomi की तरफ से रोल आउट कर दिया गया है, जिसका कि वर्जन है MIUI वर्जन 10.2.3.0। जी हाँ दोस्तों, 10.2 सीरीज़ का फिर से Xiaomi की तरफ से ये अपडेट रोल आउट किया गया है। एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर अपडेट, ये आपका बेस है 94 MB इस अपडेट का साइज है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी न्यू अपडेट के बारे में, इस अपडेट के बाद आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड जिन यूजर्स को अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है तो उनको कब तक मिल जाएगा, एंड एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा Redmi Note 5 में, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इसी बात पर गाइस, वीडियो पर एक लाइक जरूर बनता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मिले Redmi Note 5 के लेटेस्ट अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो यहाँ पर गाइज, अगर बात करी जाए Redmi Note 5 Pro के इस न्यू अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI वर्जन 10.2.3.0 आपको देखने को मिल जाता है। OEG MIXM यानी Android Oreo के ऊपर ये अपडेट आपका बेस है, यहाँ पर आपको Android Pie देखने को नहीं मिलता है। स्टेबल अपडेट है, 94 MB अपडेट का साइज है, तो काफ़ी कम साइज का ये अपडेट है। हो सकता है कि आपको अलग साइज का अपडेट मिले, क्योंकि Redmi Note 5 के दो अलग अलग वेरियंट्स हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चेंज लॉग में आप देख सकते हैं अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच 2 जून 2019। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 1 जून 2019 का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेटेस्ट जून का मिलता है आपको सिक्योरिटी पैच, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, एक डिसअपॉइंटेड वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको 10.2 सीरीज़ का ही Xiaomi की तरफ से अपडेट प्रोवाइड किया गया है। हम सभी ने यही उम्मीद की थी कि कम से कम आपको 10.3 सीरीज़ का कोई ना कोई न्यू अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि 10.3 सीरीज़ में आपको डार्क मोड वगैरह, एंड्रॉयड पाई एंड काफ़ी सारे न्यू फीचर्स बाकी डिवाइसेस को देखने को मिले। Redmi Note 5 Pro को आप यहां पर ले लीजिए, Redmi Note 6 Pro में भी 10.3 के साथ काफ़ी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तो 10.2 सीरीज़ का ही अपडेट मिला, देखते 10.3 कब आता है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको अगले महीने अभी 10.3 का अपडेट देखने को मिले। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन यूजर्स को ये अपडेट नहीं मिला तो उनको कब तक मिल जाएगा। तो गाइस, ये अपडेट अभी तक कुछ ही सिलेक्टेड रैंडम यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया गया है, तो आने वाले 1 वीक के बाद ये अपडेट सभी यूजर्स को मिल जाएगा। तो 10 दिन तक आप वेट कर लीजिए, 20 जुलाई से पहले पहले सबको ये अपडेट मिल जाएगा, अगर इस अपडेट को सस्पेंड नहीं किया जाता है, अगर इसमें ज़्यादा बग्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। दोस्तों, अगर बात करूँ चेंज लॉग के सेकंड पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स किया गया है कॉन्टैक्ट्स कुडंट बी डिलीटेड फ्रॉम सिम कार्ड इन सम केसेस। तो दोस्तों, जो कॉन्टैक्ट्स आपके सिम कार्ड में सेव थे, तो कई बार वो आपके डिवाइस में यहाँ पर डिलीट नहीं हो पाते थे, काफ़ी सारे डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स आपके डिवाइस में फालतू में ऐड हो जाते थे, तो इस इश्यू को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया, अभी वहाँ पर वो डिलीट हो जाएंगे। एंड गाइज, इसके अलावा मुझे इस अपडेट में कुछ खास ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिले हैं, डार्क मोड वगैरह ये सारे फीचर्स अभी आपको देखने को नहीं मिले हैं। बात करूँ एंड्रॉयड पाई के अपडेट की, तो अभी Xiaomi की तरफ से कोई भी कंफर्म नहीं है कि Redmi Note 5 को एंड्रॉयड पाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कोई फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन आएगी तो जरूर से सबसे पहले आपको इस वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अभी तक ये अपडेट मिला है या फिर नहीं। तो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।